अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हरा मटर कीमा, मटर डाला हुआ, बढ़िया सा मजेदार डिफरेंट स्टाइल का है। और ये रहा लाल वाला कीमा, जो इसमें भी मैंने मटर डाला है, ये डिफरेंट स्टाइल का है, थोड़ा चटपटा है। ये अपने स्टाइल में चटपटा अलग है और ये अपने स्टाइल में अलग टाइप का टेस्ट है। दो डिफरेंट स्टाइल के मैं आपको रेसिपीज आज बता रही हूँ और ये दोनों सहरी स्पेशल है। आप सहरी में बनाए या फिर शाम को भी बना सकते हैं, खाने के लिए रोटी के साथ सर्व करें, लेकिन बेस्ट है जो कड़क पाव होता है उसके साथ अगर आप सर्व करेंगे, मजा आ जाएगा, लाइफ बदल जाएगी आपकी। तो जल्दी जल्दी ये बनाए और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ऑर्डिनरी यानी साधारण, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। दो एक फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए एक तेज पत्ता, एक हरी इलायची और 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा। इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर, छुंदा काट कर डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्की, तो इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का मैं पानी डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर कर इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन हट जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो ये धोया हुआ 250 ग्राम मटन कीमा है, इसे डाल दीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया और इसे बार बार चलाते हुए आप फ्राई कीजिए कीमे को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो कलर है ना कीमे का चेंज नहीं हो जाता, तब तक। जब कुछ मिनटों में इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है तो डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक या फिर मेरी तरह मैं 1.5 डाल रही हूँ छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, सबको मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पे 1-2 मिनट तक इसे भूनने दीजिए। मैं जीरे का पाउडर डालना भूल गई, तो आधा छोटे चाय का चम्मच जीरे का पाउडर भी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये देखिए 2-3 मिनट में तो इस तरीके से सूख जाएगा। तो दही डाल दीजिए तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जितनी, डाल कर चलाते रहें, मिक्स करें और इसे भी भून लीजिए 2-3 मिनट तक, या तब तक भूनिए जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। मीडियम आंच पर ही इसे भी भूनिएगा। दही भी भून जाए इस तरीके से तो डाल दीजिए मटर। यहाँ पर मैंने 1/4 कप से ज्यादा ही मटर लिए, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये फ्रोजन मटर है, आप फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। इसे डालकर 1/2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए, फ्राई होने दीजिए मटरों को। जब 1/2 मिनट हो जाए तो अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, 1/2 से 1.25 कप जितना पानी डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए और मीडियम आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए तकरीबन 15-20 मिनट तक। कुकर में बनाने के लिए प्रोसीजर सेम ही रहेगा। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, सीटी 2-3 खिलाकर बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया लीजिए धोया हुआ। ये देखिए मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ, 1/4 कप जितना टाइटली पैक्ड हरा धनिया है। कौली डंडिया भी मैंने ली और धोए हुए हैं। मैं 3 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ, 8-10 ये पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालकर इसे बारीक पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। 20-22 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में एक बार चेक किया था पानी कम लगा था, तो 1/4 कप पानी डालकर मैंने चलाकर फिर से ढक के रख दिया था दम पे। हाँ, अब डाल दीजिए 1/2 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी, चुटकी भर गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, ये जो हरा मसाला हमने बना के रखा है, हरा धनिया और इसका, ये देखिए ये तो पक चुके हैं, जैसे मैं आप दिखा देती हूँ आपको, दोनों भी पक चुके हैं। तो ये जो मसाला बना के रखा है ये ग्रीन वाला, ये सारा डाल दीजिए। अब वो जो मिक्सर जार है उसके अंदर 1/4 कप पानी डालिए और अच्छे से चलाकर मटन में कीमे में डाल दीजिए। एक बार ये सारी चीजों को चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, और बस स्लो आंच पर 1-1.5 मिनट तक पकने दीजिए। 1-1.5 मिनट हो जाता है तो मीडियम आंच कर 1/2 मिनट पकाएं, और थोड़ा सा हल्का हल्का तेल आपको लगे छूटने जैसा तो चूल्हा कर दीजिए बंद। नमक एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको लगे तो। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ हरा जो मसाला हमने डाला है उसके बाद। उसका मकसद ये है कि जो कच्चे कच्चे सौंधी सौंधी खुशबू आती है कोथमीर यानी हरा धनिए की, ये जो खाने में इसका जो फ्लेवर आता है कच्चेपन का, बहुत ही मजा आता है, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसे ढककर स्लो आंच पर 4-5 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट उसकी जो खुशबू है वो कम हो जाएगी। चलिए मैं 1-2 हरी मिर्चों को स्लिट मार के डाल रही हूँ मजेदार चटाके के लिए।
आप चाहे तो नींबू भी थोड़ा निचोड़ सकते हैं और चलिए चूल्हा कर देते हैं बंद। हो गया हमारा, पक गया बम्बैया स्टाइल एकदम हरे मसाले वाला कीमा मटर दाल के। तो चलिए मैं आपको चख के बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ गया, एकदम कड़क पाव की जरूरत है और मैं यही शुरू हो जाऊंगी। वैसे मेरे यहाँ कड़क पाव मिलते नहीं है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बट मैं कोई बात नहीं, रोटी के साथ या पराठा, पराठा अगर कड़क पाव के साथ नहीं खा रहे तो पराठे के साथ खाना बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बनाए मेरी ये रेसिपी और मजेदार से खाए और एंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया बनाए, मजेदार टेस्ट है इसका। एक कढ़ाई या कुकर में थोड़ा तेल डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए एक तेजपत्ता, एक डंडी दालचीनी की, दो लौंग, एक हरी इलायची और दो काली मिरी, जब डाल दें और आधा छोटा का चम्मच जीरा डालकर तड़तड़ा जाने दीजिए सारे गर्म मसालों को फास्ट आंच पर। तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दें, छूंदा प्याज जिसे हम कहते हैं, डालकर फास्ट आंच पर इसे फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्के ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालकर इसे भून लीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती तब तक। अब जब भून लें तो इसमें डाल दीजिए धोया हुआ 250 ग्राम कीमा, मटन का कीमा है, इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बार बार चलाते रहे और फास्ट आंच पर तब तक फ्राई करें कीमे को जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता कीमे का। तब तक कलर चेंज हो जाए तो उस टाइम पे एक मीडियम साइज का टमाटर उसकी छील निकाल कर बारीक काट कर डाल दीजिए और इसे भी फास्ट आंच पर आधे एक मिनट तक भूनिए, तब तक भूनिए जब तक नम नहीं हो जाते। उसके बाद डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और मीडियम आंच पर थोड़ा सा भून लीजिए, क्योंकि हमने टमाटर डाले वो भी समय इतना कुछ ज़्यादा अच्छा भुना नहीं है, तो तकरीबन 2-3 मिनट तक ये मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए वहाँ तक भूनिए। जब कच्चापन निकल जाए और तेल छूटने लगे तो 1/4 कप जितना, ये मैंने फ्रोजन मटर लिया, आप नॉर्मल मटर भी ले सकते हो, वो डालकर एक बार चला लीजिए। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और आधा छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पीसा हुआ जीरा पाउडर डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, आधे मिनट तक इसे भी फ्राई कीजिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं सारी चीजें भुना गई है, बढ़िया सी चूल्हा मीडियम पर है, तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना पानी डाल देती हूँ, आप चाहें तो 3/4 कप जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन 3/4 कप डालेंगे तो आगे जाके आपको ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। चलिए इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 2-3 सीटी खिला लीजिए या तब तक पकाएं जब तक मटन नहीं गल जाता तब तक। चलिए तकरीबन जब अच्छा ठंडा हो जाए तो इसे खोल लीजिए और चलिए ये बन गया हमारा कीमा। तो मैं अब सबसे पहले तो चूल्हा वापस चालू कर देती हूँ, नमक एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको कम लगे तो। अच्छा, अब मैंने हल्का एक उबाल आ जाने दिया ये फास्ट आंच पर, जब हल्का उबाल आ जाता है तो मैं कर देती हूँ स्लो आंच, और मुझे ये जो ग्रेवी है ना ये परफेक्ट लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर फर्ज करो आपकी एकदम ड्राई आउट हो जाती है तो इस समय पानी डाल दीजिए 1/4 या आधा कप जितना, एक बार फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए, जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 5-6 मिनट पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। बट यहाँ मुझे परफेक्ट लग रही है तो मैं बस तेल स्लो पर छूटने की देर देख रही हूँ, उसमें मैं हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल देती हूँ, 2-3 हरी मिर्चियाँ डालकर चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप पतीली में भी बना सकते हैं, हाँ प्रोसीजर वही रहेगा, पानी डाल देते हैं जब आप, तब सिर्फ ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए 15-20 मिनट या तब तक पकाएं जब तक मटन और मटर दोनों गल नहीं जाते। बीच में एक बार बेशक खोलकर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा 1/4 कप जितना पानी डालकर चला कर इसे ढक कर पकने दीजिए दम पर जब तक मटर और मटन गल नहीं जाते। तो ये बन गया हमारा झटपट प्रेशर कुकर के अंदर कीमा मटर मसाला, बढ़िया है ना, मजेदार सा। चलिए मैं आपको चक्की भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, मस्त मजा आ जाएगा आपको, सहरी में बनाओगे मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना बढ़िया बना है माशाल्लाह। और मटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं और जो हमारा कीमा है वो भी बढ़िया सा चटपटा बनाए, आप चाहें तो नींबू निचोड़ कर खाएं उसके साथ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप बनाए तो। और हाँ, बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।